दोस्तों आज हम ऐसे पावरफुल बंदे के बारे में बात करेंगे ना, जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है, जिनको आयरन मैन के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, आज हम इलॉन मस्क के बारे में बात करेंगे। इलॉन मस्क के पास प्रेजेंट टाइम इलॉन मस्क के पास हाइपरलूप, न्यूरालिंक, टेस्ला, द बोरिंग कंपनी और सबसे बड़ी कंपनी स्पेस एक्स है। इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में हुआ था। इलॉन मस्क बचपन से माइंडेड पर्सन रहे हैं, बचपन से ही विजनरी पर्सन रहे हैं। जब इलॉन मस्क अपने स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे, तब इलॉन मस्क को एक कंप्यूटर मिला था। उस कंप्यूटर के साथ एक प्रोग्रामिंग बुक मिली थी। 3 दिन में बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए और बिना सोए इलॉन मस्क ने 3 दिन में उस प्रोग्रामिंग बुक को समझा और उस प्रोग्रामिंग बुक को 3 दिन के अंदर खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद उसके बाद उन्होंने ब्लास्टर गेम बना दिया। ब्लास्टर गेम बनाया ही बनाया, उसके साथ उस ब्लास्टर गेम को एक गेम कंपनी को बेच भी दिया। एक दिन इलॉन मस्क एक बुक पढ़ रहे थे, तब इलॉन मस्क की मदर ने इलॉन मस्क को बुलाया, लेकिन इलॉन मस्क कुछ भी नहीं सुन रहे थे, क्योंकि इलॉन मस्क का 100% फोकस बुक रीडिंग पे था। तब इलॉन मस्क की मदर ने इलॉन मस्क एक बार नहीं बुलाया, इलॉन मस्क को कई बार बुलाया, लेकिन इलॉन मस्क कुछ भी नहीं सुन रहे थे, क्योंकि उनका 100% फोकस बुक रीडिंग पे था। तब इलॉन मस्क की मां ने समझा, लगता है इलॉन मस्क के कान को ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद इलॉन मस्क को लेके गई डॉक्टर के पास। उनकी माँ ने इलॉन मस्क को लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने इलॉन मस्क के कान का ऑपरेशन किया। कान का ऑपरेशन करने के बाद इलॉन मस्क घर आए, वापस घर आए। फिर उसके कुछ दिनों बाद इलॉन मस्क फिर से बुक पढ़ रहे थे, अपने 100% फोकस के साथ बुक पढ़ रहे थे। फिर से उनकी माँ ने बुलाया इलॉन मस्क को, लेकिन इलॉन मस्क कुछ भी नहीं सुन रहे थे, क्योंकि उनका 100% फोकस बुक रीडिंग पे था। तब इलॉन मस्क की माँ ने सोचा, लगता है इलॉन मस्क का फोकस बहुत ही हाई लेवल का है, हमको दोबारा इलॉन मस्क के कान का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इलॉन मस्क का फोकस बहुत ही हाई लेवल का है। कहते हैं इलॉन मस्क के पास फोटोग्राफिक मेमोरी है, कोई भी चीज़ एक बार देखते हैं वो चीज़ उनको हमेशा याद हो जाती है। उसके बाद इलॉन मस्क ने अपना सबसे पहला स्टार्टअप जिप टू लॉन्च कर दिया। जब उन्होंने जिप टू लॉन्च किया, जिप टू पर वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी की मैपिंग दे रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, जिससे बड़े बड़े बिजनेसमैन को बेनिफिट मिल रहा था नेटवर्किंग करने में, मार्केटिंग करने में। उसके बाद जिप टू कंपनी को इलॉन मस्क ने एक कॉम्पैक्ट कंपनी को बेच दिया। जिप टू को $307 मिलियन में बेच दिया। उसके बाद उसमें इलॉन मस्क का $22 मिलियन शेयर था। अब इलॉन मस्क पास F1 स्पोर्ट कार थी और एक एरोप्लेन था, उसके साथ साथ एक बेहतरीन हाउस था। एक दिन इलॉन मस्क गए हुए थे बैंक, फर्स्ट टाइम गए हुए थे, पहली बार गए हुए थे बैंक। तब उन्होंने बैंक के सामने लंबी लंबी कतारें, बहुत लंबी लंबी लाइन देखकर बहुत ज़्यादा शौक हो गए, अपना ही पैसा लेने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है। फिर उन्होंने बना दिया क्या, X.com। उन्होंने X.com बना दिया। X.com के द्वारा हम अपने पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला और यही X.com आगे चलकर PayPal बन गई। उसके बाद इलॉन मस्क ने PayPal कंपनी को बेच दिया। अब इलॉन मस्क के पास बहुत ज़्यादा फंड आ चुके थे, बहुत ज़्यादा पैसे आ चुके थे। अब इलॉन मस्क को पूरा करना था अपना स्पेस ट्रेवल का सपना। रॉकेट लेने के लिए इलॉन मस्क चले गए रसिया। रसिया जाने के बाद रॉकेट का प्राइस बहुत ज़्यादा था, इस वजह से इलॉन मस्क वापस आ गया और इलॉन मस्क ने डिसीजन लिया, रॉकेट तो अब मैं खुद बनाऊंगा। ये बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन था, लेकिन इलॉन मस्क हार मानने वाले नहीं थे। अब इलॉन मस्क रॉकेट बनाने के लिए स्टडी करने लगे, स्टडी पर 100% देने लगे। जो स्टडी कोई टीचर से नहीं कर रहे थे, वो अपनी खुद से स्टडी कर रहे थे, अपने से स्टडी कर रहे थे, रॉकेट के बारे में कई सारी नॉलेज ले रहे थे। जब उन्होंने कई सारी नॉलेज लेने के बाद जब उन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया, तो अनफॉर्चुनेटली वो रॉकेट फेल हो चुका था। के बाद इलॉन मस्क ने दूसरा रॉकेट बनाया, कई सारे चेंजेस किए, कई सारे चेंज करने के बाद उन्होंने दूसरा रॉकेट लॉन्च कर दिया, ये भी रॉकेट फेल हो गया। 1 by 1 तीन रॉकेट फेल हो चुके थे। और उसके बाद इलॉन मस्क के पास एक रॉकेट बनाने के लिए पैसे नहीं थे ज्यादा। उसके बाद इलॉन मस्क चौथा रॉकेट लॉन्च करने के लिए अपना F1 स्पोर्ट कार को भी बेच दिया, अपने प्लेन को भी बेच दिया, अपने घर को रेंट पर दे दिया और अपना खुद जाकर अपने दोस्त के साथ रहते थे, अपने दोस्त के घर पर रहते थे। जब उन्होंने अपना 4 रॉकेट लॉन्च किया, तो ये रॉकेट सक्सेस हो चुका था। इसके जस्ट बाद नासा ने इनको $1.5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसकी इनकी डूबती रैया पार करा दी। ये थी इलॉन मस्क की पावरफुल स्टोरी। तो आज की स्टोरी में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।